हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज है 1 दिसंबर 2022, मतलब एड्स दिवस। आज के दिन ही एड्स दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके, लोगों को जागरूक रखा जा सके। दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़े, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। दोस्तों, WHO के मुताबिक एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यह भी एक बीमारी है जो एक बंदे से दूसरे बंदे में जाती है। इसके फैलने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे एक वायरस है दो कि एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलता है। वो या तो इन्फेक्टेड ब्लड के कारण फैल सकता है या फिर सीमेन के द्वारा फैल सकता है, वेजाइनल फ्लूड के द्वारा फैल सकता है, इन्फेक्टेड सिरिंज यूज करने के द्वारा फैल सकता है, या तो आप शेविंग वगैरह करते हैं, इन्फेक्टेड बंद ने उसी रेजर से शेविंग किया है, आप भी उसी से शेविंग किए तो आपको फैलने का चांस हो सकता है। इसलिए इसका बचाव बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन में HIV फर्स्ट सेकेंड कराते हैं, और उसके साथ साथ आप यदि आप पॉजिटिव हैं तो उसके लिए CD4 काउंट कराते हैं। इसका वायरल लोड कितना है देख के उस प्रकार से ART देते हैं। सो यदि जो लोग पॉजिटिव हैं, जिन लोगों को HIV है, उन लोगों को यदि वो रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, रेगुलर अपना चेकअप कराते हैं, तो एक नॉर्मल बंदे की जब 100 साल एज है तो HIV पर जो पर्सन है उसकी एज 98 ईयर रहती है। लेकिन सही से ट्रीटमेंट लेना है और सही से रूटीन फॉलो करना है, इन्फेक्शन से बचते रहना है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, कोई भी डिजीज उनके ऊपर अटैक कर सकता है। इसलिए ऐसे बंदों से दूर रहना है जो लोग इन्फेक्टेड हैं। और दवा ART आती है, गवर्नमेंट में फ्री में मिलता है, वहाँ से आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो वो खुद ही आपको चेक करके आपको कैसे खाना है वो बता देगी, और उसको रेगुलर खाते ही रहना है, जिससे आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी, आपको अदर प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। खान पान में यदि आप साबुत अनाज खाएं, दालें खाएं, लीन मीट खाएं, फल सब्जियां, लो फैट डाइट वाले आहार खा सकते हैं। परहेज क्या करना है, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक, शुगर, शराब, धूम्रपान इत्यादि नहीं करना है। आयुर्वेद में बोला जाए तो आयुर्वेद में बहुत रिसर्च करने के बाद लोग जेरिनियम नाम का आयुर्वेद में एक कषाय मूल वनस्पति है, उसका यूज करने से भी बंदे ठीक रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी बनी रहती है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।